वीडियो बना रहे कि सच में तो ठीक ठाक बनाने दो ना, रुक जाओ हाय किसको आए बोली, तेरे को कोई नहीं जानता व्लॉग में नहीं सब सब जानते कन्नू कौन है, सब भूल गए गाइस, कोई कोई याद है आपको ये कौन है? हाँ याद है ना, पर दीदी को याद नहीं है है कि नहीं? ताना नंबर वन, ताना नंबर दो दो घंटे बाद आ रही है, दो घंटे बाद। Hey guys, welcome to the घर। कैसे हैं आप सब? हूँ आप सब बच्चों के स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ मम्मी के घर में और बना रही हूँ चाय। तो बस अभी एक व्लॉग सरोजनी नगर वाला मैंने एडिट करके पोस्ट किया बहुत दिन बाद। मैं कल रुचि का मैसेज पढ़ी थी, आजा बहन आजा मुझे हंसी आई, तो थोड़ा सा शूट करके मैंने रखा था, मुझे पता है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग को में से बहुत से लोग मेरा वेट करते हैं और मैं नहीं आ रही हूँ, तो थैंक यू सो मच कि आप इस चीज़ को समझते हैं कि मैं सिर्फ परिवार में हूँ और अपना मी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता रही हूँ। एंड गला तो गाइस अभी भी बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों मेरा गला ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पे। एनीवे ठीक हो जाएगा मुंबई जाके। एंड यहाँ बन रही है चाय, ये अच्छा। तो गाइस मैं ना मम्मी के घर से ससुराल से अकेली आई थी, अनुप नहीं आ पाए थे, अनुप मुझे आरकीपुरम तक छोड़ के गए थे। वो एक्चुअली पापा का एक CGS कार्ड बनाना था, इसलिए थोड़ी सरकारी भागदौड़ होती है, तो अनुप वही कर रहे थे। तो अनुप फिर पार्थ तो आपको पता ही, अभियान को छोड़ के आना ही नहीं चाहता, तो उसने बोला मम्मा मैं दो दिन बाद डैडी के संग आ जाऊँगा। तो आज मुझे दो दिन हो चुके हैं मम्मी के घर आए हुए, तो आज अनुप भी आ जाएंगे पार्थ को लेके रात को। तो बस मैं सोच रही हूँ चाय पी के, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा कुछ सामान लेने बाहर जाना था, जूडियो जाना चाहते थे। तो कल भी वैसे हम बाहर गए थे मम्मी की दवाई लेने, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उनको ना कुछ लीवर में कुछ प्रॉब्लम बताया कल मैं होम्योपैथी वाले डॉक्टर ने जो हमारे वहाँ गई थी, तो उन्होंने बोला कुछ हल्की सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको खाना खाने का मन नहीं करता, मॉर्निंग में उठती है तो वॉमिट सा फील होता है, बस वो सब। तो दवाई ले ली है, अभी मम्मी बहुत बेटर है, तो मैं सोच रही हूँ चाय वाय पी के थोड़ा सब्जी वब्जी बना के मम्मी को पहले बाहर लेके जाती हूँ, थोड़ा सामान जो उनको लेना है वो ले लेते हैं, एंड फिर रात को तो पार्थ भी आ जाएंगे। और अब हम देहरादून भी जाने वाले हैं गाइस, तो देहरादून में आप लोग को लेके चलूँगी, क्योंकि बड़ी मम्मी की बरसी है। आप सबको याद होगा कि 7 मई को आई थी हमारी बड़ी मम्मी हमें छोड़ के चली गई थी, तो 1 साल हो गया है और उनकी बरसी है, तो सब लोग जाके पूजा करेंगे, ठीक है? तो चलो चाय पीते हैं, मम्मी से मिलाती हूँ। आज मैंने ना मेहंदी इंडिगो सब लगाया था, मेरे हाथ की हाल दिखाना चाहूँगी आपको, ये देखो। तो यहाँ पे माँ बेटी पियेंगे काली चाय। तो गाइज आपको पता है ये जो ट्रे है ना, ये मैं 20 रुपीज़ की खरीदी थी, बहुत साल हो गए, आई थिंक 20-22 साल हो चुके होंगे इसको। तो ये 20 रुपये की ट्रे है, और देखो स्टील की ट्रे थी, बहुत पतली हल्की है लेकिन अभी तक चल रही है। और अंदर मम्मी टीवी देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आवाज आएगा तो बंद करना पड़ेगा। चलो भाई मम्मा, तो मम्मी यहाँ देख रही है अनूप जलोटा का घर। गाइस मम्मी ने न्यू टीवी लिया, न्यू टीवी पार्थू के लिए स्पेशल, हाँ पार्थू के लिए सरप्राइज। एक सेकेंड ना, कहाँ से आवाज होगी? मम्मी हाय कर दो बच्चों को। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बच्चे तो ठीक है, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बताया मैंने, दवाई लेके आए हैं। तो गाइज आज मम्मी के बाल ना बिल्कुल ऑरेंज कलर के हो गए थे, देखो इंडिगो लगा के ब्लैक। लेकिन मम्मी आपको कैसा लगा इंडिगो प्लस ही ना? अच्छा, ये यूज करूंगी, है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नेचुरल। जितना मम्मी मतलब आप समझो 60 के हो चुके हैं, अगर 60 में व्हाइट बाल दिखेंगे भी तो इट्स ओके, लेकिन ये जो है ना इतना परफेक्ट लग रहा है, देखो आप। तो मैं सजेस्ट करूंगी, मैं दिल से सजेस्ट करूंगी सब लोग इंडिगो ही ना यूज करो। सही बात है, अभी से शुरू कर दो भाई, अभी से जिनके थोड़े बहुत हैं। हाँ हाँ, मतलब जो डाई के लिए सोचते हैं ना, वो प्लीज डाई मत करना गाइस, गलती से भी मत करना भाई डाई। हाँ, और बताओ तबीयत में क्या हो रहा है आपके? तबीयत में बढ़िया है, चलो ठीक है, शरीर है, उठता था चढ़ता रहता है। देखो तबीयत ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ कुछ दिख रहा है आपको? ये दवाई होम्योपैथी की, बड़ा करके दिखा दिया मैंने। एंड यहाँ देखो मम्मी का सेटअप गाइस, मम्मी मैंने आज बुद्धा जी भी वहाँ रख दिए, मैंने वो सोचा उसका भी वो हटा के वहाँ लगा दिया, देखो सही लग रहा है। और ये ना गाइस शीलू मौसी लेके आई, ये वाला जार से टॉप को देखो, नहीं 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 गिरेगा, बिल्कुल फिट हो रखा है वो, बस बाहर एक्स्ट्रा। ये शीलू मौसी लेके आई थी तो मैंने इस पे भी लगा दिया। तो बस अभी माँ बेटी चाय पीते हैं और मैं कह रही हूँ मम्मा थोड़ी सी कुछ भी सब्जी बना के चलते हैं दोनों, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, जूडियो चलते हैं, ठीक है?
चलो। तो गाइस चाय पीने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे दाल बना ली है। हमने यहाँ बना लिया है बैंगन का भरता, गिरना नहीं, दाल, और इसमें रोटी भी बना ली है। तो बस डिनर हमने रेडी कर लिया है और अब हमें कोई टेंशन नहीं है। मम्मी भी रेडी हो गए हैं और टाइम देखो अभी 6:30 ही हो रहे हैं। तो ये देखो अब मम्मी हो रही है रेडी। तो मम्मी बोल रही है कि मेरी पैंट टाइट हो गई। टाइट हो गई पैंट यार, ढीली थी ये तो, बहुत ढीली थी। कहाँ से ली थी ये? मॉल से लिया था। जगह बताओ ताकि मेरे दोस्त ना ले। मॉल से लाई थी। मॉल का कोई नाम है? अरे वो सालू का, वहाँ जाते हैं। मुझे क्या पता, रिलायंस। हाँ रिलायंस से जाते हैं, जानते हैं। तो मम्मी ने ये जब पैंट ली थी गाइस ये ढीली थी और वॉश करने के बाद ये टाइट हो गई है। बट मैं कह रही हूँ इतनी टाइट नहीं है, इतनी फिटिंग की अच्छी लग रही है। तो मुझे तो अच्छी लग रही है, मैं मम्मी को बोल रही हूँ ऐसी पहनो। 15 किलो वजन बढ़ा, 15 किलो वजन। मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी कह रही मेरी पैंट टाइट हो गई। मैंने कहा और बढ़ा लो 15 किलो वजन, ऐसे बोलती। मेरे को वजन बढ़ाना है 15 किलो। मैंने क्यों बढ़ाना है? नहीं बढ़ाना है। मम्मा आप परफेक्ट हो, कोई कमजोर नहीं हो आप। अंदर से वीकनेस फील हो रही है वो अलग चीज है, लेकिन आप कमजोर नहीं हो, आप एकदम फिट बॉडी हो। इसको पतला नहीं बोलते लोग, तरसते हैं ऐसी बॉडी के लिए। आपको ऐसा फिगर मिला हुआ है तो आप तो कदर ही नहीं कर रही हो। ये देखो रेडी। यस चलो। एंड गाइस मैं तो यही फ्रॉक पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को तो गर्मी में भाई बार बार कपड़े बदलने में होती है दिक्कत। और मैं बस पता शूट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे कैमरे में हुआ तो है कुछ, लेकिन जब मैं आज मैंने व्लॉग देखा तो उसमें ठीक लग रहा था, तो फिर ठीक है। लेकिन अपना मुंह बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, या तो बहुत दिन बाद व्लॉगिंग करो। तो मैं मम्मी को बोली, मम्मी इसको हटा दो, तभी तो दिवाली में लगाओगी तो रौनक आएगी। पर मैं आपको बताऊँ मम्मी ने क्यों लगा रखा है। मम्मी ने ये अनूप के लिए लगा रखा है, क्योंकि अनूप है ना यहाँ आते हैं, यहाँ पे उनका सर फटता रहता है, तो यहाँ पे ऐसे देखते ना तो सिर नीचे झुका के जाते हैं, तो इसीलिए मम्मी ने ये भी लगा रखा। और ये देखो यहाँ पे भी इसीलिए लगा रखा है ये, ताकि अनूप जो है ना झुक के जाए, इसको देख के झुक जाते हैं। वरना अनूप का इतना सर फूटता है ना गाइस यहाँ पे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो टंग टंग अनूप के तो मैं बोलती हूँ शिनचैन की तरह ना, यहाँ पे ऐसा मोटा सा गोला भी हो सकता है। तो बस इसीलिए मम्मी हटाती भी नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ मम्मी हटा दो ताकि दिवाली के टाइम पे आपको थोड़ा अच्छा लगे। हाँ चले ना, वो फिटिंग करना है बोली। अच्छा सूट। हाँ तो गाइस हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो गाइज हम लोग गए जूडियो, वहाँ पे मम्मी ने कुछ कुर्तीज़ ट्राई करी और ये देखो अच्छी लग रही थी, इसके प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था। 400 इसका प्राइस था, तो मैंने 3-4 कुर्तीज़ ली वहाँ पे। एंड इतना रश होता है ना गाइज जूडियो में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये देखो दूसरा ये वाला था, तो ये एक्चुअली मम्मी के लिए नहीं है, मम्मी ने किसी और के लिए ली है, वो आपको बाद में पता चलेगा। और पता है आपको, मैंने एक ड्रेस पसंद करके आई थी, आप दोनों आप सबसे मैंने पूछा था, तो जो व्हाइट वाली आपने पसंद करी थी ना वो बिक गई गाइस। एंड उसका दूसरा वाला बचा हुआ था, तो यहाँ पे मम्मी पार्थू के लिए थोड़ी सी ये वाली, उसको हाफ टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी खरीद रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े ले लिए, तो मम्मी ने ना वो सेकेंड वाली जो थी वो वाली मुझे बोला कि तू वो वाली ले ले। हालांकि मुझे वो इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन वो फिर भी स्मॉल साइज़ एक बचा हुआ था और मैं अभी आपको पहन के दिखाऊंगी। तो फिर मेरे को ना ये वाली फ़्रॉक का एक ऑप्शन अच्छा लगा, तो मैंने मम्मी से पूछा ये बताओ कैसी लग रही है। मम्मी बोली बहुत अच्छी लग रही है, मैंने बोला फिर ठीक है। तो ये वाला था, आपको याद होगा सेकेंड, ये आप में से किसी ने भी पसंद नहीं किया था, और ना ये लास्ट स्मॉल साइज़ मेरे लिए बचा था जैसे कि खैर। लेकिन मैं कहना चाहूँगी जूडियो में कुछ पसंद आया ना तो ले लेना, एक हफ्ते के बाद आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, 1 वीक के लिए ही सारे फैशन होते हैं वहाँ पे, फिर गायब। तो जल्दी जल्दी ले लेना चाहिए। उसके बाद देखो फिर थोड़े से घर के लिए फ्रूट्स, और मम्मी और मैं ऐसे ही टहलते हुए मार्केट में आए, हमने टिक्की भी खाई, वो सब शूट नहीं किया। मेरी बिंदी गिर गई वहाँ पे, तो ना कपड़े चेंज करते। तो ये गाइस हमने जूडियो से शॉपिंग कर ली है और अब हम जा रहे हैं कुछ खाएंगे, माँ बेटी को भूख लगी है। मम्मी जुराब ले रही हैं। उसके बाद मम्मी ने कुछ यहाँ पे नमकीन्स वगैरह ली, क्योंकि पार्थो आने वाला था आज रात को इसलिए। और यहाँ पे है ना मोनू, ये बोली थी मैं फ्रॉक ट्राई करके देखूँ, मैंने देख अब वो फ्रॉक पहन के थोड़ा सा घूम रही थी ऐसी, बड़ा स्टाइल मार रही थी, मैं उसको बोली थी ओहो आ। उसके बाद है ना हल्का सा गिरेगी देखना,
तो मुझे हंसी आई और मैंने कहा ले अब ये देखो, मैंने कहा अब तेरा ऐसे ही डालूंगी। अब कह रही थी दीदी नहीं ये मत डालो। तो वहाँ अनूप भी आ चुके हैं, अनूप और पार्थू मम्मी के संग वहाँ बैठे हुए हैं, गप मार रहे हैं। पार्थू की देखो टी शर्ट मोनू ने पहन ली है और मोनू दिखा रही है उसको कि देख पार्थू मैंने तेरी टी शर्ट पहन ली है। तो वो पार्थू से पूछा ये क्या है, अपने पहले बॉडी तो देखो मोनू मौसी। तो बस इसी तरह से गाइस उसके बाद दिन में सॉरी लेट नाइट हम दोनों ने ये एक रील भी शूट करी थी जो कि आप लोगों ने देखी ही होगी, जिसमें वो आजकल पुष्पा 2 वाला आ रहा है और मैंने ना ये वॉशरूम की चप्पल पहन के करी थी और वो इतनी दूर फेंकी कि मुझे उसको हंसी आ रही थी देख के। देन उसके बाद ये भावना की मम्मी जो भाभी हमारे घर काम करते हैं ना, देखो मोनू से मैंने उनके लिए एक साड़ी मंगाई थी तो मोनू नेक्स्ट डे जाके मॉर्निंग में वो साड़ी लेके आई। आप बताओ आपको कैसी लगी, मैंने उनके लिए ली है तो ये जब मैं मुंबई जाऊंगी ना तो मैं उनको दूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मम्मी को मैंने बोला मम्मी यार इसका कपड़ा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहन के दिखाओ, तो मम्मी ने फटाफट फटाफट ये देखो ये साड़ी पहन के हमें दिखाई है। और मम्मी कहती है ये एक बार में बनने वाली साड़ी है, इसका ना कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जो भाभी है ना वो इसी टाइप की थोड़ा चमक वाली साड़ी पसंद करती हैं तो उन्होंने ये वाली साड़ी ली है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शायद पीछे से कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक आएगा तो इग्नोर करना, घर में मोबाइल टीवी सब चल रहा है गाइज। तो ये देखो मम्मी ने साड़ी पहन ली है एंड आप बताओ आपको ये साड़ी कैसी लगी। इसमें एक कलर और था मेहरून और हाँ डार्क पर्पल भी था तो मुझे तो ये ग्रीन कलर अच्छा लगा। देन दिन में हमने आलू न्यूट्रेला की सब्जी चावल दही सैलेड ये सब खाया। आप अनूप भी यहीं बैठे हुए हैं बगल में ही तब शायद मैंने शूट नहीं किया उनको। और पार्थू यहाँ ड्राइंग बना रहा है और बहुत ही ज़्यादा खुश है अपना नया टीवी देख के। एंड बस दिन में खाना खा के मैं और ये रही टुन्नी दीदी और ये रही जस्सू। तो टुन्नी दीदी ने मुझे साड़ी दिखा रही थी उनकी शादी की साड़ी और मैंने उनसे कहा कि दी यार मेरे को बहुत अच्छी लगती है साड़ी तो दीने वाला तू ले ले, तो मैंने कहा लेके आना आप की बार आओगे। तो ये ना बोल रही थी मैंने सिर्फ एक बार अपनी शादी वाले दिन पहनी थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैं जस्सू से यही कह रही थी कि देख मैंने 27 साल पहले या 28 साल पहले दीदी की शादी हुई थी तो मैंने सोचा होगा कि यार ये साड़ी मुझे कितनी अच्छी लग रही है, ऐसी साड़ी मुझे भी चाहिए और इतने सालों बाद ये साड़ी मुझे मिल गई है तो दीने वाला तू ले ले ये साड़ी। और उसके बाद है ना दीदी सारी अपनी शादियों की साड़ी हमें दिखा रही थी कि देख मैंने एक एक बार पहन के रखी है तो तुम लोग पहनना। हम कहते कि ठीक है अब आप है ना बच्चों की शादी जब होगी तो हम सब लोग ना यही साड़ी पहनेंगे कुछ भी नया नहीं लेंगे। तो देखो जस्सू भी कुछ कह तो रही है, हमने कम से कम 2-2.5 घंटे बात करी होगी गाइस वीडियो कॉल में तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे बीत जाता है बहनों के संग। और यहाँ देखो फिर कन्नू और मोनू ये दोनों मेरी चुटिया बना रहे हैं खजूरी चुटिया। तो कन्नू ने तो बहुत अच्छी बनाई बिना रबड़ लगाए और मुझे उम्मीद थी कि मोनू बहुत ज़्यादा अच्छी बनाएगी लेकिन दोनों में से देखो आप किसने ज़्यादा बेहतर बनाई है। और अभी दिखाती हूँ, देख इसने रबड़ नहीं लगाई थी। ये क्या है रही है? देखिए जरा ये टेस्ट तो कर दीजिए। ये तो हटा पहले, एक बार रबड़ चेंज। वाह मोनू वाह, तेरा तो काम ही तू जैसी लगी मेरे हेयर स्टाइल में भी मना कर रहा था तेरे उसको फेरा भैया ने मेरा स्टाइल बनने चाहिए नहीं यार। ऐसे ही पार्लर वाली अभी देख ले ये इससे सीख ले देख यहाँ से देख कितनी नीट एंड क्लीन बनी है देखियो। इनको गैजेट की आदत है सुई पिन रबड़ ये हाय राम पार्लर वाली पार्लर वाली के काम है देखियो जरा ये बिना पार्लर वाली के काम। बेटा पहले मैंने सोचा था मैं तेरे को बोलूंगी कि तू इससे सीख ले नहीं मैं चाहती हूँ कि पहले तू इससे सीख ले फिर इसके बाद होगा जो होगा जो होगा इसके बाद ही होगा। अब तेरा नाम मैं कल से डबल कर लो। हाँ डबल कर लो क्या कर रही डबल कर लो डैडी कह रहे तेरा नाम कल से डबल कर लो भैया कर लो बुला दे अब डबल कर लो। अब कैसे बुलाओगे डबल कर लो डबल कर लो साहब फोटो जवान लड़कों की क्या क्या हो रहा है ऐसे कोई फोटो मम्मी मैं आ नहीं सकती मेरे पैर में चोट लगी है। इधर आओ आप लोग दिनचू देखो मेरे पैर में कितनी चोट है ये देखो मेरी चोट देख रही हो खड़ा की ना बना चाहिए आप आए ना आपके सत्कार में खड़ा हो रहा है सीधा लगे तो नहीं हो मैंने कहा मम्मी मेरे पैर में चोट लगी है ना तो मम्मी को दिखा रही हूँ
मम्मी कह रही खड़ा क्यों रखे मैंने आपके सत्कार में, गलत लगा छी तो कुंडा वोनु मेल चश्मा दियो, आदत नहीं ना मैं चांदी की ज्वेलरी पहनने की। सीधा कर उसको, पंखा किन बंद करे सर, व्लॉगिंग में पंखा करना पड़ता। मम्मी बच्चों को नमस्ते बोलो। नहीं नहीं मैं बोलूंगी बच्चों की तरफ से। मम्मी शीलू मौसी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप शीलू मौसी? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आपके दूल्हा राजा कहाँ है? गली में घूम रहा है। घूम रहा है? हाँ सच में, पीछे पीछे आ रहा था, मैंने भगा दबा दे बोल उसको। हो गया, हमें तो आदत है मम्मी, मुझे तो टुन्नी दी आज मुझे कह रही, मुझे पता है तेरे को बिना पंखे के व्लॉगिंग करने की आदत है ना, इसलिए तेरे को गर्मी नहीं लगती। आज मैंने टुन्नी दी को रुला दिया। क्यों? बस ऐसी टोन कसेगी? नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं, क्यों टोन कसूंगी? मैं है भाई तेरी पावर में बिना बोले रुला देती हूँ। आपको भी रुला दूंगी जब जाऊंगी, देखना बिना बोले बस ढोक दिन चू बोलूंगी आप रोने लगोगी। मैं बोलूंगी मम्मी अच्छा मैं जा रही हूँ, आप रोने लग, पापा तो दो दिन पहले रोने लग जाते हैं। एंड गाइज इसके बाद मैं शिलू मौसी हम सब लोग गए साड़ी देखने, और ज़्यादा वो ये मोनू की ना फ्रेंड की एक शॉप है वहाँ पे, तो ये देखो ये कुछ साड़ियाँ थी ये हम देख रहे थे, मैंने ली नहीं हाँ, लेकिन ये वाली मुझे थोड़ी अच्छी लगी। आप बताओ आपको कैसी लगी? इसमें जरी का वर्क अच्छा हो रखा है और बहुत ही रीज़नेबल साड़ीज़ वो देते हैं, तो मोनू ले आती है, मोनू के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। तो यहाँ पे ना ये देखो एक रील मटेरियल भी मैंने बनाया है, कभी डाल दूँगी रील बना के। ये इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप बताओ आपको कैसी लगी ये साड़ीज़? हेलो बहनों, बस बहनों इतना ही दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये आया था, ये ऐसे ही आता है और ऐसे ही चला जाता है। कुछ कहना चाहोगे भाई? थैंक यू बहनों। किस बात के लिए? गाइस ये बहुत देर से यहाँ बैठा हुआ है, हमने खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, भाई मेरे लिए मिठाई जलेबी भी लेके आया वो भी खा लिया, पर मैंने सोचा दिखा देती हूँ भाई आया था। कल को लोग कमेंट में लिख देंगे आपका राहुल भाई नहीं आया, राहुल भाई राहुल भाई ने प्रेजेंट लगा दिए। चलो